आ गए हैं नए वीडियो में आपके साथ। दो इम्पोर्टेंट न्यूज पे बात करेंगे। जो शिक्षा विभाग से दो लेटर आया है जिसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का नया टाइम टेबल रिलीज किया गया है सभी सरकारी विद्यालय हेतु, जो भी प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सारे विद्यालय के लिए जो है ये न्यू टाइम टेबल शेड्यूल्ड होगा। और एक और न्यूज है इसके अलावा, ज्वाइनिंग जो न्यूली ज्वाइंट शिक्षक की जो ज्वाइनिंग थी उसमें कुछ कैटेगरी वन कैटेगरी टू करके जो है वो ज्वाइनिंग के लिए शेड्यूल को चेंज किया गया है, रीशेड्यूलिंग की गई है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक बार ये वाला देख लेते हैं कि नया टाइम टेबल जो है उसको लेकर के क्या शिक्षा विभाग से नया नोटिफिकेशन आया है, क्या नया ऑफिस ऑर्डर है। देखिए आज के डेट में निकला हुआ है कि सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल, ये टाइम टेबल सभी विद्यालय को फॉलो करना पड़ेगा। नया जो पुराना टाइम टेबल था वो ऑलरेडी जैसे प्राइमरी स्कूल 9 बजे से थी, सेकेंडरी 9:30 बजे से थी, तो ये था ही, और 4 बजे छुट्टी का था और स्कूल 3 बजे क्लोज हो रही थी, 4 बजे तक जो है 3 से 4 ऑफिशियल काम के लिए, 4 बजे क्लोज ऑफिस का था। उसको बदल दिया गया है क्योंकि अभी नया मॉडल भी, नया दक्ष परियोजना जो है वो दिसंबर में लॉन्च हो रही है, मिशन दक्ष, जिसके अंतर्गत जो है वो छोटे बच्चों को जो है, जो बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्लास 3 से लेकर के या क्लास 2 से लेकर के क्लास 8 तक जिनको बिल्कुल ही वीक बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन करके, उनको चिन्हित करके जो है उनको स्पेशल जो है क्लास देना पड़ेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पर शिक्षक 5 5 बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और उसी हिसाब से जो है उनको वो सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, और फिर वो मिशन दक्ष के तहत जो है उनका परीक्षा लिया जाएगा, अप्रैल के अंत में लिया जाएगा या ग्रीष्म अवकाश में लिया जाएगा, जो भी लिया जाएगा उसके थ्रू फिर उसको मॉनिटर, उसको आंकेंगे कि भाई वो कितना, किस हद तक वो स्टूडेंट इम्प्रूव किए हैं। तो वो एक मिशन दक्ष है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है टाइम टेबल की शेड्यूलिंग पूरी तरीके से स्कूल की चेंज की गई है। एक बार हम लोग लेटर देख लेते हैं क्या है इसमें। सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल जारी किया जा रहा है, यह दिनांक 1/12 से प्रभावी होगा। देखिए 1/12 से प्रभावी होगा, आज 28 तारीख है, तो 1/12 से जो है ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। विभाग ने दिनांक 1/12 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, ऑलरेडी ये शेड्यूल्ड है आपको तो बता, जिसमें कमजोर बच्चों पर विशेष कक्षाएं भी ली जा रही है, तो कमजोर बच्चे पर जो है वो स्पेशल क्लासेस लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो है टाइम टेबल बनाया गया है। तो विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था मतलब मॉनिटरिंग व्यवस्था के स्थायित्व लेने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। तो ये मॉनिटरिंग जो है 40,000 विद्यालय का डेली हो रहा है, जो फॉर्मेट भरा करके शिक्षा विभाग में जा रहा है। विद्यालय निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के खुलने व बंद होने के समय में भिन्नता है, अपितु प्रत्येक कक्षा पीरियड की अवधि में भी अंतर है, यहाँ तक कि दोपहर का भोजन की घंटी भी एकरूपता नहीं है। मतलब स्कूल जितने भी हम लोग के चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, पूरे बिहार राज्य में, वो उनमें जो है काफी भिन्नता है, चाहे वो लंच का टाइमिंग हो, चाहे वो पीरियड लेने का टाइमिंग हो, ठीक है, तो सारे खुलने का, बंद होने का, सभी चीज में जो भिन्नता है सेम वो नहीं है टाइम टेबल। तो उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। ये मॉडल टाइम टेबल है जो हम लोग के स्कूल के 100% विद्यालय इसी को फॉलो करेंगे, जो सोमवार से शनिवार तक ये समय सारणी रहेगी। तो हम लोग एक बार देख सकते हैं 9 बजे जो है विद्यालय खुलने का समय रहेगा, ये सभी विद्यालय के लिए हो चुका है, ठीक है ना। इसमें माध्यमिक विद्यालय दिया है ऊपर में, प्रारंभिक उच्च माध्यमिक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक भी, माध्यमिक या स्लैश उच्च माध्यमिक, तो इसको उच्च माध्यमिक लेके भी चलते हैं। तो देखिए सारे स्कूल के लिए कॉमन कर दिया है कि 9 बजे स्कूल खुलना है, 9 से 9:30 आपका असेंबली होगा जिसमें प्रार्थना, पीटी होगा, व्यायाम या ड्रिल होगा, योगा होगा, जो भी होगा। उसके बाद आपको 9:30 से 10:10 तक प्रथम घंटी होगी, 10:10 से 10:50 तक दूसरी घंटी, 10:50 से 11:30 तीसरी घंटी,
11:30 से 12:10 चौथी घंटी, 12:10 से 12:50 आपका मिड डे मील होगा, मध्यान्तर, ये आपका लंच होगा जो 12:10 से 12:50 होगा। 12:50 से 1:30 पांचवी घंटी चलेगी, 1:30 से 2:10 छठी घंटी, 2:10 से 2:50 सातवीं घंटी और 2:50 से 3:30 आठवीं घंटी। ठीक है, ये आपको जो है टोटल घंटी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और 3:30 बजे जो है वो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, छात्र छात्राएं तो, और 3:30 से 4:15 जो है वो 45 मिनट जो है मिशन 10 दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा, कमजोर बच्चों को जो है वो 45 मिनट का अलग क्लास देना पड़ेगा जो 3:30 से 4:15 बजे तक होगा। और उसके बाद 4:15 से 5 बजे तक क्या होगा कि वर्ग 1-2 के बच्चों को छोड़कर, मतलब 3 क्लास से शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना है, पाठ टीका लेसन प्लान तैयार करना है, मिशन 10 के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना एवं मिशन 10 की विशेष कक्षा लेना, साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना एटसेट्रा इत्यादि, ये सब काम जो है आपको 4:15 से 5 तक करना है। अब 5 बजे जो है आप लोग की स्कूल के अध्यापक की छुट्टी होगी, ये जो शिक्षक हेतु है, ये सभी स्कूल के लिए सभी शिक्षक के लिए मान्य होगा। यहाँ पे 5-6 पॉइंट है इम्पोर्टेंट, हम लोग देख लेते हैं ये पॉइंट क्या है एग्जैक्टली। इसमें क्या है कि राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ही काम करेंगे और विद्यालय खुलना बंद करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रिंसिपल को ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सही टाइम से स्कूल खुले और बंद हो, जो यहाँ पे दिया गया है 9 बजे खुले और 5 बजे बंद हो। सेकंड पॉइंट है कि किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रिंसिपल या जो इंचार्ज प्रिंसिपल अपने स्तर से उपरोक्त विद्यालय समय सारिणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा जो 9 बजे से 5 बजे का है प्रिंसिपल को, और अगर नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग, यदि विद्यालय में किसी कक्षा का बोर्ड या सेंटअप परीक्षा अगर चल रहा हो तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं करना है, अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है जो जनरली होता है। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि होगी, देखिए सैटरडे जो हाफ डे था उसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है, एज पर दिस लेटर शनिवार को फुल डे कर दिया गया है, और भोजनावकाश तक अध्यापन का कार्य चलेगा आपको, और भोजनावकाश के बाद अभिभावक के साथ बैठक एवं बाल संसद आयोजित की जाएगी। तो वो अभिभावक मतलब पेरेंट्स के साथ बैठक एवं बाल संसद यूथ पार्लियामेंट जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर है कि संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय तथा राजकीय उर्दू विद्यालय भी उपरोक्त मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। तो संस्कृत बोर्ड तथा जो है मदरसा, को भी जो है बोला गया है संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय और राजकीय उर्दू विद्यालय को भी यही टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो नहीं कि वो पहले खोल देंगे या बाद में बंद कर देंगे, उनको भी जो है वही 9 से 5 ही करना है। मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ली जाएंगी, तो मिशन दक्ष के अंतर्गत जो है जो यही समय सारणी चलेगी, जो मिशन दक्ष अगले जो है स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से, जो शेड्यूल्ड अप्रैल मई तक चलेगा, उसमें जो है कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट लेटर है, ये काफी रिफ्लेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा सारे वर्किंग कल्चर को, सारे स्कूल्स के नए नए शिक्षक लगभग 1 लाख के करीब ज्वाइन किया है और ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं, ये न्यूज क्लोज करते हैं। चलिए, ये ज्वाइनिंग डेट रिशेड्यूल किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में जो है, जो हम लोग का था कि 26 तारीख तक फाइनली कर लेना था इसको, तो 26 तारीख को बढ़ाया गया है डेट को। देखिए, क्योंकि कंप्लीटली स्टूडेंट्स कर नहीं रहे हैं ज्वाइन, जो अभी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है शिक्षक वाले वो कर नहीं है ज्वाइन, तो इसलिए बार बार डेट को चेंज किया जा रहा है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज दिया गया है, स्पेशली वो जो काम कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे डिपार्टमेंट में। चलिए हम लोग लेटर में एक बार देख लेते हैं कि क्या है। उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा योगदान करने एवं उसके उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से उसे स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, योगदान हो रहा है, DEO जो है उसको स्वीकृत कर रहे हैं। इन इन
एक इन पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद भी योगदान नहीं किया जा रहा है, कतिपय अध्यापक अभी केंद्र सरकार में कार्यरत है और यद्यपि उन्होंने त्यागपत्र समर्पित कर दिया है किंतु उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सा चीज है कि बहुत लोग जो है रिजाइन दिए हैं लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसके कारण जो है हम लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं एज पर दिस लेटर। तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा स्टाफ लोग से जो नहीं कर पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग को ऑलरेडी जो है तो इन लोग बताए होंगे, इसलिए शिक्षा विभाग इस तरह का लेटर निर्गत किया है, इसलिए वे योगदान नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के क्रम में कई जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा इन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। उच्च के आलोक में विभाग ने तय किया है कि इस प्रकार के सभी विद्यालय अध्यापकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाए। तो दो श्रेणी में डाला गया है, एक क और ख करके, और ये जो श्रेणी है क्या है, क में है वैसे विद्यालय अध्यापक जो पहले किसी प्रकार के राज्य एवं केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी में नहीं थे, ठीक है ना, ये तो एक हो गया। दूसरा, वैसे विद्यालय अध्यापक जो पहले राज्य एवं केंद्र सरकार में कार्य कर रहे थे, तो ये श्रेणी क और ख को बांट दिया है। क वाले में जैसे जो राज्य सरकार में काम नहीं कर रहे थे, वैसे विद्यालय अध्यापकों को यह सूचित कर दिया जाए कि यदि वे 30 नवंबर 23 तक संबंधित विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं तो 30 नवंबर के संध्या 5:30 बजे 5 बजे तक के बाद उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं यह समझा जाएगा कि वो इच्छुक नहीं है, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। इसमें एक चीज निकल के आ रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि वो डेट एक्सटेंड हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, सब लोग 30 तारीख बोल रहे हैं लेकिन हमको लगता है कि इसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा कि कौन सब्जेक्ट में कितना योगदान नहीं हुआ है तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो ये फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद ही सप्लीमेंट्री निकलने का चांस है, जैसा हमको मुझे लग रहा है, यही चीज है, और इसलिए इस पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। श्रेणी ख के विद्यालय अध्यापकों को यह सूचित कर दिया जाए कि यदि उन्होंने संबंधित राज्य केंद्र सरकार के कार्यालय जहाँ पूर्व में कार्य थे में त्यागपत्र समर्पित कर दिया है और त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ, तो वे त्यागपत्र स्वीकृत की प्रतीक्षा न कर 7 दिसंबर की संध्या 5 बजे तक योगदान कर ले, मतलब तो उनका वेट नहीं करना है बोले हैं त्यागपत्र का, और 7 दिसंबर तक, मतलब तो 6 दिसंबर तक वेट कर ले, अगर नहीं आता है फिर भी वो यह 7 तक ज्वाइन कर ले। उन्हें यह सुविधा दी जाती है कि वे कालांतर में अपने नियोक्ता से अपना त्यागपत्र स्वीकृत करा ले, वो बाद में भी जो है स्वीकृत करा सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें एक मेजर इम्पोर्टेंट यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जब तक ये क्लियर, हमको लग रहा है कि ये क्लियर करेगा उसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट डेटा जाएगा शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग उस तरह से डेटा प्रोवाइड करेगा बीपीएससी को, देन बीपीएससी जो है वो उस रिजल्ट को जो है वो आउट करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो सेकंड निकले है, क्योंकि अभी तक 88,000 लोगों ने, 1,20,000 में 88,000 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो लगभग कि 32,000 पोस्ट अभी खाली हो जा रही है। तो 32,000 पोस्ट खाली हो जा रही है कि और अभी 4-5 दिन में कितना भरेगा, 5,000 भरेगा मैक्सिमम, 10,000, 25,000 के करीब पोस्ट पे ऐसे खाली हो रही है, तो इतने पोस्ट पे रिजल्ट फिर सप्लीमेंट्री निकलेगा, ठीक है, निकलना चाहिए। तो ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसके अलावा जो है फिर न्यूज लेकर आपके सामने आएंगे हम लोग कल, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगा। तो इसी तरह चैनल देखते रहिए, अगर कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई न्यूज दूसरे टाइप का न्यूज चाहिए या एचआरएमएस को लेकर के अगर कोई इशू हो रहा है या एनी के इसको लेकर के, तो उस पर वीडियो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।